हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजदीप्स कॉलेज ट्यूटोरियल। आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स पार्ट टू, जो कि 12th स्टैंडर्ड का आर्ट और साइंस स्ट्रीम का सेम है, तो उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले ये कि पार्ट वन का हमने कई सारे वीडियोस बना के अपलोड कर दिए गए, वहां से आप लोग वीडियो देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। ओके, जो भी डाउट है हम लोग क्लियर करेंगे। और आपको अगर 12th स्टैंडर्ड के या 11th स्टैंडर्ड के या फिर कोई नीट या जेई मेन कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके नोट्स चाहिए, उसके टेक्स्ट बुक चाहिए, तो हमें टेलीग्राम में फॉलो करिए। जैसे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम के लिंक अपलोड कर दिए गए हैं, वहां से आपको इजीली एक्सेस कर पाओगे हमारे चैनल को। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहां पे आपको हर एक अपडेट मिलते रहेगा। कुछ एमसीक्यूज जो होंगे हम कंटिन्यूसली कंडक्ट करते जा रहे हैं, वहां पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसमें देखिए चैप्टर्स, टोटल 8 चैप्टर्स है। अब हम आते हैं पार्ट टू पे। टोटल 8 चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 1 जो है डिफरेंशिएशन। अब देखिए हमने वेटेज के बेसिस पे अलग चैप्टर्स को दिखा दिया है कि कितने वेटेज है, कितने मार्क्स का आ सकता है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा वो भी हम बता देंगे कि उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कैसे आ सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन, टोटल 6 to 8 मार्क्स इसके आ सकते हैं। ओके, तो अब ये जो मार्क्स है वेटेज, अभी तो कोई एग्जाम नहीं हुआ है, ये न्यू सिलेबस है, तो अब इसमें क्या है कि 6 to 8 वेरिएशन मार्क्स के हो सकते हैं। ओके, 6 मार्क्स से लेकर 8 मार्क्स तक आ सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन, मैं मानता हूँ पार्ट टू का डिफरेंशिएशन। अपने टाइम पे भी मैं डिफरेंशिएशन में ही सबसे इंपॉर्टेंट मानता था। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशिएशन अगर आ गया तो पार्ट टू जैसे कि यूं आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं कैसे, और हमसे कनेक्ट रहिए तो आपको पता चल जाएगा कि इजिली अगर डिफरेंशिएशन आता है तो पार्ट टू में आउट ऑफ मार्क्स कैसे ला सकते हैं। इस तरह हम लोग सभी पार्ट में बताएंगे, पार्ट टू वन में भी बताएंगे कैसे फुल मार्क्स आ सकता है। ओके, तो देखिए ये जो डिफरेंशिएशन है 6 to 8 मार्क्स के है। पार्ट टू जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ओके, इसका ही एप्लीकेशन है, डिफरेंशिएशन का ही एप्लीकेशन है। 6 to 8 मार्क्स का ये भी आएगा। ओके, अगर आपको डेरिवेटिव आता है तभी आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिए। अगर आपको डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आता है तभी आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर पाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ओके, उसके बाद ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर क्या है, डिफिनाइट इंटीग्रेशन, 7 to 10 मार्क्स। देखिए इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, इसको भी मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, इसके लिए कि ये आपके डेरिवेटिव पे भी बेस्ड है और उसका भी डिफरेंट फंक्शंस है, ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, अब आते हैं डिफिनाइट इंटीग्रेशन, जो कि इनडिफिनाइट के बेसिस पे है। अगर इनडिफिनाइट आएगा तो डिफिनाइट आएगा, डेरिवेटिव आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, सब कुछ एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। देन देखिए ये हो गया। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल। ओके, फोर्थ चैप्टर डिफिनाइट इंटीग्रेशन है, उसका एप्लीकेशन क्या है, फिफ्थ चैप्टर। मतलब कि ये चैप्टर आया तो आपको ये भी चैप्टर आ जाएगा। तो मतलब देख रहे हैं आपका ये जो टोटल चैप्टर है वो एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं। ओके, और भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ, ये कि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे, देखिए इसमें जो डेरिवेटिव है वो भी यूज होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो भी यूज होगा, इंटीग्रेशन, डिफिनाइट इंटीग्रल सब यूज होने वाले। तो मतलब सब को कंबाइन यहां तक हो रहा है। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अब यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स हम लोग ने कवर अप कर लिए। ओके, यहीं से हमें आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। अब जो दो चैप्टर्स बचे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 3 to 4 मार्क्स है। ओके, तो इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है चैप्टर में, आप एक दो वेरिएशन में है सम कर देंगे, उसको इंपॉर्टेंट बता दिया जाएगा, उसको कर लेंगे तो आपको ये मार्क्स कोई नहीं काट सकता। ओके, अब आते हैं लास्ट चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए 3 to 4 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो ये जो 3 to 4 मार्क्स है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का सम है। ओके, अगर आपने वो एक टाइप का सम इजीली समझ लिया तो आपको 4 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। ओके, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सम है। इस तरह हमने पार्ट टू के 8 चैप्टर्स का डिटेल बता दिया गया है। और भी फर्दर हमसे कनेक्ट रहिए और इजी से इजी वे में हम सभी चैप्टर्स को डिटेल में कंडक्ट करेंगे। और
मैथ्स ही नहीं, हमने बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सभी वीडियोस अपलोड कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। आपको जो भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हमें बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।